लगातार दो जीत के साथ आखिरी T20 में होगी महाप्रयोग की तैयारी। एक साथ होंगे पांच बड़े बदलाव। डेब्यू करेगा ये खूंखार खिलाड़ी। आखिरी T20 बेंच स्ट्रेंथ को चेक करने गंभीर इन तीन फ्लॉप खिलाड़ियों का पत्ता करेंगे साफ। टीम में आया दुबे का रिप्लेसमेंट। नए बॉलर्स, नए विकेट कीपर्स की एंट्री। सभी गंभीर ने कर दिए चार बड़े उलटफेर, कर दिया महाप्लान जारी। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, किस तरीके से दोस्तों सूर्या और गंभीर ने मिलकर दोस्तों चार बड़े उलटफेर और नया प्लान जारी कर दिया है, और कैसे बेंच स्ट्रेंथ चेक करने वाले हैं गंभीर यहां पर दोस्तों इस आखिरी मुकाबले में, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, टीम इंडिया इस समय बांग्लादेश के खिलाफ अपनी एक बड़ी लंबी सीरीज को अंत करने जा रही है। अब इस T20 और वन टेस्ट सीरीज में अब जो हुआ है वो किसी कमाल से कम नहीं था। पहले 19 सितंबर से ये टेस्ट सीरीज शुरू हुई, जहां पर दो टेस्ट मुकाबले खेले जाने थे, और दोनों के दोनों ही टेस्ट मुकाबलों में टीम इंडिया को आसानी से दोस्तों जीत मिली। पहला मैच चेन्नई में खेला टीम इंडिया ने, उसे 280 रनों से जीता। फिर दोस्तों यहां पर दूसरा मैच कानपुर में खेला गया, जिसको टीम इंडिया ने 7 विकेट के अंतर से जीत लिया। अब उसके बाद दोस्तों टीम इंडिया 6 अक्टूबर से T20 सीरीज खेलने की शुरुआत करती है, जिसमें पहला मुकाबला टीम इंडिया 7 विकेट से जीत जाती है, और फिर सेकंड मुकाबला 86 रनों के बड़े अंतर से जीत जाती है। अब दोस्तों अगला मुकाबला टीम इंडिया को 12 अक्टूबर 2024 को यहां पर दोस्तों खेलना है, वो भी हैदराबाद के मैदान पर। इंडिया बांग्लादेश के बीच होने वाले इस मुकाबले में दोस्तों हैदराबाद में टीम इंडिया कुछ बहुत बड़ा खेल करने वाली है। ऐसे में दोस्तों अब हुआ यह है कि टीम इंडिया सीरीज तो T20 जीत चुकी है, जैसे टेस्ट सीरीज जीती थी वैसे ही टीम इंडिया T20 सीरीज भी जीत चुकी है, और T20 मैचेस में टीम इंडिया यहां पर कुछ ट्राई कर सकती, क्योंकि टेस्ट में ट्राई इसलिए नहीं कर सकती थी क्योंकि भारतीय टीम को WTC के पॉइंट्स टेबल में भी ऊपर आना था, और T20 में ऐसा कोई पॉइंट्स टेबल चलता नहीं है। इस वजह से जो आखिरी T20 मैच होगा जो हैदराबाद में होगा, टीम इंडिया उसमें बहुत बड़े-बड़े एक्सपेरिमेंट्स करने वाली है। कुछ बड़े खिलाड़ियों जो कि बेंच पर बैठे हैं उनको मौके देगी। उनमें नंबर एक पर नाम आता है दोस्तों रवि बिश्नोई, जिनको टीम इंडिया निश्चित तौर पर यहां पर पिक करने वाली है, क्योंकि टीम इंडिया के गेंदबाज जो हैं वरुण चक्रवर्ती हो गए, वॉशिंगटन सुंदर हो गए, उन्होंने ठीक किया, लेकिन इनमें से यहां पर दोस्तों खिलाड़ी ये बाहर जाएंगे और उनकी जगह पर किसी एक को रवि बिश्नोई की जगह पर पिक किया जाएगा। उसके बाद हर्षित राणा भी आएंगे। एक और खिलाड़ी जिसको यहां पर दोस्तों रेस्ट पे दिया जा सकता है, उसमें देखना होगा दिलचस्प कि किसे टीम इंडिया बाहर करेगी। मोस्ट प्रोबेबली मयंक यादव जा सकते हैं रेस्ट पर, उसके बाद दोस्तों उनकी जगह पर हर्षित राणा आ जाएंगे। फिर दोस्तों जितेश शर्मा, एक ऐसा विकेटकीपर बल्लेबाज जिसे अभी तक इस पूरे के पूरे सीरीज में मौके नहीं मिले हैं। सैमसंग को मौके मिले लेकिन उसे उस तरीके से भुना नहीं पाए सैमसंग, और इसी वजह से उनको रेस्ट देकर यहां पर दोस्तों जितेश को यहां पर मौका दिया जाएगा। और फिर दोस्तों ओपनिंग बल्लेबाजी में दोस्तों अभी तक टीम इंडिया ने सैमसंग और अभिषेक शर्मा के दम पर ही मैचेस खेले हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अभिषेक शर्मा को इस मुकाबले के लिए रेस्ट दिया जा सकता है, और यहां पर उनकी जगह पर टीम इंडिया का अच्छे खिलाड़ी तिलक वर्मा को मौका दे सकती है। तो इस तरीके से टीम इंडिया अपना बेंच स्ट्रेंथ चेक करने वाली, जो कि काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, और देखना यहां पर दिलचस्प ये होने वाला है कि क्या टीम इंडिया इस बेंच स्ट्रेंथ को चेक करने के बाद आने वाली जो ये मैच है उसको जीत पाती है या फिर नहीं। कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।